कश्मीर से लेकर दिल्ली और देश से लेकर पाकिस्तान तक सबकी नजर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर टिकी हुई है कि आखिर अतिरिक्त जवानों की तैनाती के पीछे की रणनीति क्या है। इन सब हलचलों के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और कयास लगाए जा रहे हैं सात लोक कल्याण मार्ग पर होने वाली बैठक में कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। कैबिनेट की बैठक से पहले रविवार को संसद भवन में कश्मीर के मौजूदा हालातों पर हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, प्रमुख सचिव गृह राजीव गाबा, रॉ और आईबी के चीफ भी मौजूद रहे। और इसी बीच खबर आ रही है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। घाटी में तनाव के बीच अगले हफ्ते 3 दिन तक वहां रहेंगे और इससे पहले अमित शाह ने 26 जून को घाटी का दौरा किया था और वहां कहा था कि मोदी सरकार आतंकवादियों और अलगाववादियों से बेहद सख्ती से निपटेगी। अमित शाह के दौरे के बाद अजीत डोभाल सीक्रेट मिशन के तहत जम्मू कश्मीर गए थे। 2 महीने में अमित शाह का दूसरा दौरा। एनएसए डोभाल का श्रीनगर जाने के बाद से घाटी में चल रहे घटनाक्रम से तो अब यही लग रहा है कि आतंकवादियों से निपटने और कश्मीर समस्या के समाधान की रणनीति बनाई जा चुकी है। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।